नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो दर्शक भाइयों, जैसे आपको पता है मैं पंजाब के रूट पे हूँ। तो आज मैं भाई के पास पहुँचा तो मुझे ट्रैक्टर बड़ा बहुत बड़ा दिखाई दिया, 13 का कल्टीवेटर, बड़ा हैवी वाला, और बड़े आराम नाल चला रहे थे। तो पूरी जानकारी और चला करके दिखाएंगे, पहले दूसरे हाई गियर में, और हाइड्रोलिक भी दिखाएंगे कितनी ज़बरदस्त है। और इनसे हम पूछेंगे कि इसका मेंटेनेंस कैसा है और ट्रैक्टर कैसा है। तो एक बार पहले बातचीत ही कर लेते हैं। तो नमस्कार भैया, बहुत नमस्कार बहुत भाई। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसे आप इस ट्रैक्टर को चला रहे हो, हाँ जी, कोई समस्या हो ट्रैक्टर से कोई समस्या रिलेटेड, नहीं भाई साहब, कंपनी को कोई सजेशन हो, कुछ नहीं, तेल कोई ज़्यादा खा रहा हो, नहीं बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कोई मेंटेनेंस की कमी हो। मतलब ही नहीं। अच्छा, आप कितने आरपीएम पे चला रहे थे इसे? 1600-1700 बस, 1600-1700। अगर हम 1600-1700 में दूसरा गियर लगा दें तो दूसरे में भी चलेगा, चलेगा आराम से। मीडियम और मीडियम के कौन से गियर में चल सकता है? हमने लाया ही नहीं आज तक, आज तक लाया ही नहीं। और रिपर पर तो आज तक कभी पहला गियर देखे ही नहीं इसका, अभी अग्नि और कौन सा लगाया करो रिपर? दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा। बाकी ट्रैक्टर वैसे आरपीएम वगैरह तोड़ने कुछ में नहीं, ज्यादा ऐसा बहुत कम है नॉर्मल तोड़ेगा कुल। इस कल्टीवेटर। अब फोर व्हील लगा रखा आपने, फोर व्हील एक चक्कर थोड़ा सा टू व्हील में भी लगे हो, कोई दिक्कत है ना? चलाओ एक बार फोर व्हील में, चलाओ फिर एक बार टू व्हील में चला के देखेंगे दर्शक भाइयों आपको। और 80 HP का ट्रैक्टर है, देखो कमाल की बात है। अभी इसकी गहराई बढ़ाएंगे थोड़ी सी, देखो ट्रैक्टर कहाँ चल रहा है और कल्टीवेटर कहाँ पहुँचा दिया। अभी इस कल्टीवेटर की जो है आपको दिखाएंगे पूरी डिटेल से जानकारी कि ये गहराई कितनी ले रहा है, मतलब जो गहराई के साथ साथ जो इसकी जो गहराई बढ़ाऊंगे अभी थोड़ी सी। भाई गहराई बढ़ा दो। तो दर्शक भाइयों, ये ट्रैक्टर जो ड्यूज फार के ट्रैक्टर है, ये लॉन्ग लाइफ इंजन ट्रैक्टर है। देखो अगर आप मेंटेनेंस की तरफ से देखते हो तो इनसे बढ़िया ट्रैक्टर कोई नहीं लगने का आपको। और इनमें गियर स्पीड बहुत सारे हैं, अपनी ज़रूरत अनुसार आप ट्रैक्टर बनवा सकते हैं। प्लस पॉइंट इसमें एक चीज़ और है, आपको तेल का खर्चा भी लिमिटेड मिलेगा, मेंटेनेंस बहुत लिमिटेड मिलेगा, और कवर एरिया की बात करें तो इतनी सारी स्पीड इसमें मिल जाएंगी आपको कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और बाकी आपको मैं एक बार इसका दूसरा लगा दो, दूसरा दूसरा गियर लगवा के दिखवाता हूँ। देखो भाई बढ़िया चल रहा है यार। तो दर्शक भाइयों देखो, दूसरे गियर में भी कितनी बढ़िया कल्टीवेटर लग रहे हैं, और मुझे ट्रैक्टर के पीछे भागना पड़ने लगा। ये देखो आप, 1500 आरपीएम है बताओ, और ट्रैक्टर इतना साइलेंट है कि उनकी आवाज़ मुझ तक आ रही है। यानी कि अगर आपको हमारा दूसरा ट्रैक्टर कोई भी हो, यहाँ तक कि न्यू हॉलैंड भी हो, तो आवाज़ नहीं आएगी मतलब किसान के पीछे। बाकी एक बार ना इसे टू व्हील करवाएंगे, अभी जब वापस में आएंगे ये उधर से, जब इसे टू व्हील करवाएंगे, टू व्हील टू व्हील, अब टू व्हील में भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा टू व्हील और फोर व्हील में। किसान भाई अब ट्रैक्टर टू व्हील में है, ये देख सकते हो आप। भाई एक बात है, खतरनाक चीज है जो बात है, अगर कवर एरिया की बात करें तो हमारे यहाँ जो एक एक दो दो बीघे वाले किसान हैं, उनका तो दो दो तीन तीन फाट में कलेस सा काट देगा। एक मिनट, एक बार है ना फोर व्हील लगा दो, फोर व्हील लगा करके ना पूरे लीवर डाउन करके दिखाओ, चला के चल जाएगा, पहले गियर में चली हो चाहे, पूरा लीवर डाउन करके दिखाऊंगा मैं एक बार, रुको। अच्छा ये दोनों डाउन है, अब आप अपने दोनों हाथ यहाँ रखना, ठीक है चलाओ, पहले में लगा लो, पहले में, दूसरे में चल जाएगा। देखो दोस्तों, इसे कहते हैं सेंसिंग प्लस खिंचाई, थोड़ा सा हल्की सी एक साइड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। हाँ जी, किसान भाइयों एक चीज देखो कमाल की बात, ट्रैक्टर ने दोनों लीवर डाउन करके भी खींच दिया दूसरे हाई में, और पहले हाई में और ज्यादा गहराई ले सकता क्योंकि जब ज्यादा तेज चल, ये देखो आप कितना जबरदस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है।
मतलब ट्रैक्टर का तोरा बहुत है, और अरुण भाई भी हमारे साथ में है। बढ़िया चल रहा भाई, पूरी गहराई दे रहा ट्रैक्टर, देखो तुम पानी काट दिया कतई ही। बड़ा ट्रैक्टर ही नहीं अरुण भाई नु कह रहे। ये तो एक बार में बड़े बड़े खद्दर में तो ड्यूब पार जैसा कोई नहीं है। खद्दर वाले लोग डरे हैं, पता नहीं दिखाते भी नहीं ट्रैक्टर को, पता ना चोरी के रखे हैं क्या। देखो आप दोस्तों, एग्रोलैक्स मॉडल है किसान भाइयों, एग्रोलैक्स मॉडल अपने एरिया के अनुसार हम बनवा सकते हैं। और अपना साधु का टीलर है, साधु सिंह संगरिया राजस्थान। और दर्शक भाइयों, आपको अगर साधु का कल्टीवेटर चाहिए तो भाई सोच समझ के लिए, थोड़ा सा कैडा चला है पर इस पर लोड ना पड़ रहा बिल्कुल भी। इसे वहीं गियर में करवा के पहले में जो कर रहा टोपलिंग, एक बार रुकवाओ एक बार दोस्तों, मैं इसकी टोपलिंग ऊपर ना आपके पूरी गहराई दे होगा जुत का ना आप खेत, एक बार वो करेंगे। चलाओ चलाओ। तो दर्शक भाइयों, आपने देखा कितना जबरदस्त चल रहा है ट्रैक्टर। खिंचाई बहुत है ट्रैक्टर में, मुझे तो लगता नहीं इसमें इतनी खिंचाई है। और देखो कितने समझदार लोग हैं, डोले बिल्कुल काट दिए, मुंजी लगेगी फ्रेश है, खेत बिल्कुल फाइनल कर दिए। और उधर शायद बिहारी भी आ गए इनके काम करने वाले। और देखो आप कितना जबरदस्त काम चल रहा है। पूरा लीवर डाउन कर रखा दोस्तों, पूरा लीवर पूरा डाउन है लीवर। कौन सा गियर है, पहला ना? हाँ ठीक है, पहले में बढ़िया चल रहा भाई। किसान भाइयों, मैं आपको एक तजुर्बा करके दिखाऊंगा इसका, इस वीडियो के शॉर्ट वीडियो मिलेगा आपको, उसमें इसकी लिफ्ट चेक करेंगे कि कितना जोर है इसके लिफ्ट में। तो धन्यवाद, नमस्कार।